हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप लोग अपने ब्लॉग पोस्ट पर पीडीएफ कैसे डाउनलोड बटन पीडीएफ का कैसे लगा सकते हैं बिना किसी कोडिंग करे। तो देखिए, आपको यहाँ पर जैसे आप न्यू पोस्ट ओपन करते हैं, आपको यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता पीडीएफ का बटन ऐड करने के लिए। तो आपको इसे करने के लिए न्यू टैब ओपन करना है और राइट साइड में 9 डॉट दिख रहे हैं उस पर क्लिक करके ड्राइव पर क्लिक करना है। इसे करने के बाद अब आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। आपको न्यू पर क्लिक करना है लेफ्ट साइड पर और फाइल अपलोड लिखा हुआ है यहाँ पर आपको अपना पीडीएफ अपलोड कर देना है, जो आपका पीडीएफ है। मैंने थोड़ा पार्ट प्राइवेसी पर्पज़ के लिए हाइड कर लिया है। आपको सिंपली अपलोड कर लेना है, सिलेक्ट कर लेना अपने कंप्यूटर से जहाँ पर भी आपका पीडीएफ रखा हो। तो देखिए, ये मेरा अपलोड हो रहा है। जैसे ही अपलोड हो जाए आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये ओपन हो गया मेरा पीडीएफ। अब आपको राइट साइड में 3 डॉट दिख रहे हैं उस पर आपको क्लिक करना है और शेयर पर क्लिक करना है। शेयर पर क्लिक करने के बाद अब मैं आपको लिंक कैसे इसका लेना है वो मैं बताता हूँ। देखिए, यहाँ पर आपको एक लिंक दिख रहा होगा, लेकिन आपको नीचे यहाँ पर चेंज टू एनीवन विद दिस लिंक, इस पर क्लिक करके कॉपी लिंक कर देना है। अब आपको डन पर क्लिक कर देना है। इसे करने के बाद अब आप यहाँ पर न्यू पोस्ट पर चले जाइए। यहाँ पर मैं कोई भी कंटेंट डाल देता हूँ, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ आगे क्या करना है हमें। जैसे मुझे यहाँ पर नीचे ही लगाना है डाउनलोड बटन, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डाउनलोड पीडीएफ नाउ और नीचे एक एंटर मारना है आपको। अब आपको एक इमेज रख लेना है डाउनलोड पीडीएफ की। इमेज का आप पीएनजी गूगल से निकाल सकते हो। आपको यहाँ पर इंसर्ट इमेज पर जाना है, अपलोड फ्रॉम माय कंप्यूटर और एक इमेज लगा देना है। ये इमेज बिल्कुल बटन की तरह वर्क करेगा। आप जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ बिल्कुल सिंपली उसे फॉलो कीजिए। देखिए, मैंने एक इमेज रखा हुआ है, उसे मैं अपलोड कर देता हूँ। आप खुद से भी इमेज बना सकते हैं पेंट्स पर जाकर। तो देखिए, ये इमेज है, इस पर आपको क्लिक करना है इसे बटन बनाने के लिए, पीडीएफ डाउनलोड बटन। और आपको ऊपर लिंक का ऑप्शन दिख रहा होगा, लिंक का बटन ऊपर, ये इस पर हमें क्लिक करना है। और जो यहाँ पर एक लिंक डला होगा पहले से, इसे हटा देना है और अपना लिंक पेस्ट कर देना है जो मैंने कॉपी किया था। और इन दोनों बॉक्सों को हमें टिक करके अप्लाई कर देना है। अब मैं आपको पब्लिश करके लाइव प्रूफ के साथ दिखा देता हूँ। ये हमारा पोस्ट ओपन हो गया। अब जैसे ही हम इस बटन पर क्लिक करेंगे, जो ये इमेज है इसका मैंने बैकग्राउंड एरेज नहीं किया, आप कर लीजिएगा। वाइट रहना चाहिए बिल्कुल बैकग्राउंड, पीएनजी फाइल रहनी चाहिए, पीएनजी इमेज। अब देखिए, जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया तो ये हमारा पीडीएफ ओपन हो गया है। तो आप कुछ इस तरह से बिना किसी कोडिंग के पीडीएफ को डाउनलोड बटन ऐड कर सकते हैं। यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं कोई भी। देखिए, राइट साइड डाउनलोड का बटन भी है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे ढेर सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन तो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल वाले बेल आइकन को ऑल पे टर्न करना मत भूलिएगा। और आपको अगर किसी और चीज़ में प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा।